नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर नेशनल जूनियर व सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आगाज हुआ। जनपद के कान्हा पैलेस में आयोजित इस प्रतियोगिता में 25 राज्यों के करीब 600 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं और आज इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और कल से प्रतियोगिता का मुकाबला शुरू होगा। सेक्रेटरी ऑफ एशिया पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन राजेश तिवारी भी उद्घाटन समारोह में शामिल रहे और उन्हें बताया कि इस प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों को आगे आने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल होने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि इसमें शामिल होने के बाद उनको एक मंच मिलेगा। बता दें कि आज प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ और कल से मैच की शुरुआत होगी। 17 मार्च से शुरू होकर 21 मार्च तक चलने वाली नेशनल चैंपियन प्रतियोगिता को लेकर जनपद में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि इस स्तर की पहली बार लिफ्टिंग प्रतियोगिता यहाँ आयोजित हो रही है, जिसमें लगभग पूरे देश में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। न्यूज 9 भारत के लिए महताब आलम की खास रिपोर्ट। आज गाजीपुर में पावर लिफ्टिंग की नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है और यहाँ पे लगभग 25 स्टेट के प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं और इनका कहना है कि ऑल ओवर इंडिया के सभी प्लेयर्स यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। इसी संबंध में यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे आए थे। गाजीपुर जैसे जनपद के लिए सौभाग्य का विषय है यहाँ पे इस नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया है। जहाँ तक गाजीपुर का सवाल है, एक ऐतिहासिक स्थल है, भारत में इसकी अपनी प्रतिष्ठा है और इसी के तत्वानुसार हम लोगों ने सोचा कि पावर लिफ्टिंग भारत के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए। और कोविड के मौके में आपको सुन के अच्छा लगेगा कि खेलों के फेडरेशन में पावर लिफ्टिंग इंडिया एकमात्र खेल फेडरेशन है जिसने अपना कैलेंडर पूरा किया है। तो हमने नेशनल भी कराया और यहाँ सब जूनियर और जूनियर हो रहा है, हमारा कोई कैलेंडर मिस नहीं हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स चल रहे हैं लगातार और इसके तुरंत बाद एशियाई खेल होंगे कोयम्बटूर में, जो कि भारत होस्ट कर रहा है। तो उसके से खिलाड़ियों को यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और उसके पश्चात ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों को देखने का मौका मिलेगा और खेलने का मौका मिलेगा। सर, आज का जो आयोजन है इसमें कितने राज्यों के खिलाड़ी भागी जो है भाग ले रहे हैं और साथ ही अगर देखा जाए तो कितने यहाँ पे प्रतिभाग करने वाले? तो करीबन 13 स्पर्धाएं होंगी जिसमें करीबन 500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, 25 राज्यों से आए हुए। सर, इस प्रतियोगिता में जो भार वर्ग होता है वो किस तरीके के भार वर्ग में खेले जाएंगे, बच्चे रहेंगे और साथ ही जो अंतिम जो चैंपियनशिप है वो किस तरह से इसमें निर्धारित किया? इसमें तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे तो 40 से शुरू हो जाते हैं और वो करीबन 200 के ऊपर तक जाते हैं। तो एक खिलाड़ी से आप सोच सकते हैं कि अगर तीन इवेंट को पकड़ लें तो 500 किलो के ऊपर वजन उठा लेते हैं बच्चे, जो कि अपने आप में कीर्तिमान। जैसे सर चैंपियनशिप की बात करें और ओवरऑल चैंपियनशिप वो कैसे हम डिसाइड करें, जिनको सबसे ज्यादा अंक मिलेगा उस राज्य को हम ओवरऑल चैंपियनशिप में घोषित करेंगे कि वो राज्य सबसे ऊपर है, तो टीम चैंपियनशिप को उनको मिलेगी जो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे। सर,